अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे मॉर्निंग से। अभी सिर्फ 10:30 बजे का टाइम हुआ है एंड हम लोग निकल गए थे सुबह, उठते ही जल्दी उठ गए थे एंड वी जस्ट वेंट फॉर ग्रॉसरी सुबह ही सुबह। आज हमारे घर डिनर करने के लिए आ रहे हैं अंकल आंटी और उनके बच्चे। अंकल आंटी का आप लोगों को पता ही होगा, दे आर द ओनली फैमिली रिलेटिव्स वी हैव हेयर और वो मेरा यहाँ पे ससुराल वाला रोल प्ले कर रहे होते हैं। बहुत अरसे से मिल बैठे नहीं थे तो ज्यादातर हम ही उनके घर जाते हैं। इस बार वो लोग आ रहे हैं सो शॉर्ट नोटिस पे जल्दी जल्दी से जो समझ आया मैंने दिमाग में मेन्यू बना लिया है। आई एम गोइंग टू मेक चाइनीज टूडे, के लिए थोड़ी ग्रॉसरी वगैरह कर आए हैं। पूरा मेन्यू मैं चाइनीज ही रखने वाली हूँ एंड बिकॉज आई एम नॉट सो वेल, थोड़ी लो तबीयत चल रही है इसलिए आज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं रखे हैं। बट फिर भी चाइनीज में काफ़ी टाइम लग जाता है बिकॉज कटिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है एंड देन हर चीज़ की अलग से प्रिपरेशन हो रही होती है। सो बस चलें जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं। ग्रॉसरी का तो मैंने आप लोगों को बता दिया बट हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं फ्लावर्स ना लूँ, इसलिए मैंने फ्लावर्स भी लिए थे और इतने सारे ऑप्शंस थे बट स्टिल मुझे यही अच्छे लग रहे हैं आजकल, सो मैंने इन्हीं को ऑप्ट किया। पहले भी घर में यही लगे हुए हैं बट ऑब्वियसली अब उन्हें हफ्ता हो गया तो चेंज करने का टाइम आ गया था, सो मैं दोबारा यही वाले फ्लावर्स फ्रेश लेकर आ गई। वैसे भी ऑटम सीजन है तो उसमें ये बड़ी अच्छी वाइब्स देते हैं, बिल्कुल ऑटम ऑटम वाली फील आती है, इसलिए मैंने यही लिए। फ्लावर सेट करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैं स्वीडिश प्रिपेयर करूंगी। वैसे तो मैंने आज कुछ इंग्लिश स्वीडिश ही बनाने का सोचा था टू गो विद द मेन्यू, बट चाइनीज मेन्यू को बनाने में वैसे भी थोड़े ज्यादा ट्रिकी स्टेप्स होते हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और डिनर भी बिल्कुल एंड टाइम पे ही प्लान हुआ था इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था। सो मेरे घर में जो भी चीजें अवेलेबल थी उससे मैंने सोचा कि आज शाही टुकड़े बना लेते हैं। फुल फैट मिल्क मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, जब तक वो बॉयल होगा लाइक उसमें हल्का सा उबाल आना शुरू होगा तब तक मैं फटाफट जो बोनलेस चिकन लेकर आए थे उसको वॉश कर रही थी। आज का मेन्यू सेलेक्ट करने का एक रीजन ये भी था, आप कोई भी चाइनीज डिश बना लो मोर और लेस उसके इंग्रेडिएंट्स सेम ही होते हैं सो मुझे डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली बच्चों ने आना था और बच्चे इस तरह की चीजें जरा शौक से खा लेते हैं, उनको मजे का लगता है और अंकल आंटी की पूरी फैमिली को ही चाइनीज कुजीन बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला, कैमरे ने रिकॉर्ड नहीं किया बट मैंने एक प्लेट के अंदर हाफ कप चीनी, थोड़ा सा ज़ाफ़रान येलो फूड कलर और थोड़े से जो क्रश्ड बादाम पिस्ते मैंने निकाले थे वो ऐड करके इसमें डाल दिया है। नो कस्टर्ड नथिंग, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं डाली है, बस इसमें हाफ कप चीनी है, ज़ाफ़रान है, थोड़े से क्रश्ड पिस्ते हैं एंड येलो फूड कलर है। अब मैं इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से पकाऊंगी और ओकेजनली इसमें ऐसे चमचा चलाती रहूंगी ताकि नीचे कुछ लगे ना, मैंने मीडियम आंच पे ही रखा हुआ था। वैसे तो आप सबको ही शाही टुकड़े बहुत अच्छे बनाना आते होंगे, मैं जैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी, एक तो घर में भी यही थी, सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है ब्राउन ब्रेड के जो शाही टुकड़े होते हैं वो ज्यादा अच्छे बनते हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाते हैं। हाँ कलर में थोड़े डार्क जरूर हो जाते हैं बट टेस्ट इनका बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा आता है। स्लाइसेस को मैंने चारों तरफ से काट लिया था, अब इसको मैं घी के अंदर फ्राई कर लूंगी। घी जब गरम होने लगा था उसी वक्त मैंने उसके अंदर 3-4 इलायचियां कूट के डाल दी थी ताकि वो गरम होने तक अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएं। साथ साथ मैं दूध को भी कढ़ा रही थी और स्लाइसेस को भी फ्राई कर लेंगे। ब्रेड हमारी सारी फ्राई हो गई थी, मैंने उसको सर्विंग जो प्लेटर था उसके अंदर सेट कर दिया था। दूध में अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी सो दूध को मैं थोड़ा और पकाऊंगी। देखें ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा मैंने 5-10 मिनट और बनाना है और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको मैंने हाफ से भी थोड़ी कम क्वांटिटी में लेकर आना है। मीनवाइल टाइम वेस्ट किए बगैर मैं किचन क्यूब्स और छोटे कर रही थी, लाइक हाफ हाफ कर रही थी जो मुझे बहुत ज्यादा बड़े साइज के लग रहे थे। ये टोटल 3 kg चिकन है तो मुझे इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लग गया था।
बताओ। शाही टुकड़े का सिरप बिल्कुल रेडी हो चुका था, इसलिए अब मैं इसको डाल दूंगी ऊपर और थोड़ा गर्म ही मैं डालती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पी लें। जब गर्म गर्म डालते हैं ना तो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितने भी स्लाइसेस होते हैं वो सारे मिल के मिक्सचर को। बस अब मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्रिज के अंदर रख दूंगी ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। शाही टुकड़े जितने चिल्ड सर्व किए जाएं उतने मजे के लगते हैं। रिमेनिंग पिस्ता बादाम इसमें सर्विंग के टाइम डल जाएंगे और हमारी स्वीट डिश कंप्लीट हो गई। अब मैं चिकन क्यूब्स को मैरिनेट करके रखूंगी। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मैदा, कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर अंडा डलेगा। इसके एग्जैक्ट मेजरमेंट तो मैं नहीं बता सकती, मैं सब अपने अंदाजे से डालती हूँ, बट आपकी चिकन अच्छे से कोटेड हो जाए बट ओवर कोटेड ना हो। थोड़ा सा मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक पाउडर भी ऐड किया है, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो इट्स ओके, आप स्किप कर सकते हैं, मगर फ्रेश या फिर पेस्ट फॉर्म में नहीं ऐड करिएगा। जब ये सारे सूखे मसाले थोड़े अच्छे से चिकन में लग जाएं, अंडा घुल जाए, फिर उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया था बट बहुत थोड़ा सा, और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी ताकि चिकन क्यूब्स अच्छे से मैरिनेट हो जाएं। देखिए मैंने इसको अच्छे से कोट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी कोटिंग से ही भरी हुई चिकन है। मैंने किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी तो घर की ली हुई थी हस्बैंड ने, वो अच्छे से हूवर चला रहे थे, उसके बाद उन्होंने मॉपिंग भी की थी, हल्का सा डस्टिंग का हाथ भी लगाया था, सो घर उन्होंने अच्छे से अरेंज कर लिया था। और वो लोग जो बोलते हैं कि रोज सफाई की क्या जरूरत पड़ती है, भाई इंसान है, रहते हैं, खिड़कियां दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सफाई की जरूरत पड़ती ही है। स्पेशली जब आपके घर गेस्ट आ रहे हो तो आप चाहते हैं कि आपका घर बहुत अच्छा, खुशबूदार, प्रेजेंटेबल हो, और उसमें मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड कर रहे थे। एनीवेज मैं किचन में वापस आ गई थी और अब मैं अपना वो प्रोसेस स्टार्ट करने वाली थी जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ कुकिंग। एक तरफ मैंने कोटेड चिकन को फ्राई करना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ मैंने वेजिटेबल्स कटिंग स्टार्ट कर दी थी। दोनों चीजें बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं और इंसान को थका देती हैं। जितने मजे का चाइनीज फूड लगता है ना, उतना ही ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। स्पेशली अगर आप उसको प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने वाले हैं तो फिर तो आप अपनी कमर कस लें। आज मैंने ये पंगा चाइनीज वाला लिया भी इसीलिए था क्योंकि मुझे अपने इस कटर पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। मैंने इसको निकाला स्पेशली आज यूज के लिए ताकि मेरी कटिंग का काम जल्दी जल्दी हो जाए, और हो भी रहा था। फर्स्ट बैच हो गया था, अब मैंने सेकेंड बैच डाल दिया था और साथ साथ मैंने पानी रख दिया था राइस बॉईल करने के लिए। फ्राइड राइस के लिए जो राइस बॉईल करने थे वो मैंने रख दिए थे। अच्छा हुआ ये कि मेरे कटर ने काम करना छोड़ दिया और मेरे सारे अरमान ऐसी के ऐसी रह गए। आई डोंट नो उसमें क्या हुआ, जबकि बिल्कुल सही काम करता है, बट आज इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल और मेरे लिए काम वो बढ़ा रहा था। सब्जियां अजीब और गरीब किस्म की शेप में कट के आ रही थी और जो दूसरे उसके कटर्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक थे, जो जिस शेप का मुझे चाहिए था वही प्रॉब्लम कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब रिस्क लेने का टाइम नहीं है, बंदी बस हाथ से लग जा, और फिर मैंने अपनी सारी सब्जियां कट करी। अच्छा चाइनीज तभी बनेगा जब आपकी चिकन कोटेड फ्राइड होगी और उसके अलावा जो आपने वेजिटेबल्स काटी हैं उनके शेप प्रॉपर होंगे, लाइक जूलियन साइज आपने काटना है फॉर चाउमिन एंड फ्राइड राइस, और उसके अलावा जो आप ग्रेवी बनाते हैं उसका आपने स्क्वायर शेप में काटनी है जो भी सब्जी उसमें आपने ऐड करनी है। सो बस कटिंग और फ्राइंग साथ साथ ही चल रही थी। मीनवाइल मेरे राइस बॉइल हो गए थे सो मैं उनको अब स्ट्रेन कर लूंगी। राइस दम पे लग चुके हैं, चिकन फ्राई हो चुकी है और मेरी वेजिटेबल्स भी कट चुकी हैं। जो फर्स्ट प्लेट है दैट इज़ फॉर फ्राइड राइस एंड सेकंड प्लेट इज़ फॉर चाउमिन।
बट अभी मेरी प्रिपरेशन और कटिंग फिनिश नहीं हुई है। फिर मैंने कैप्सिकम और ऐसे अनियन स्क्वायर शेप में काट ली थी फॉर माय करी जो मैं आज बनाने वाली थी। अच्छा, आज का मेन्यू तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही नहीं। आई एम गोइंग टू मेक चिकन चाउमिन, एग फ्राइड राइस एंड सेसमी चिकन करी। सो बस उसी के लिए सारी प्रिपरेशन चल रही है। और मैंने बहुत सारा सा गार्लिक लिया और उसको वन गो में ही ऐसे चॉप कर लिया, फाइन चॉप, ताकि मुझे बार बार ये कट ना करना पड़े और मेरा टाइम बच जाए। फ्राइंग का काम होते ही सबसे पहले मैंने चूल्हा क्लीन किया, क्योंकि अगर अभी मैं इसको क्लीन नहीं करूंगी तो फिर जो ऑयल इसके ऊपर है वो सारा जम जाएगा और फिर मेरे लिए इसको बहुत प्रॉब्लम होगा क्लीन करना। जब सारी प्रिपरेशन मेरी कंप्लीट हो गई तो अब मैंने कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया है। 3 eggs लिए, उसमें सॉल्ट और पेपर डाला, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, जस्ट एग्स में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए इसलिए। मैंने 3 cup बासमती राइस लिए हैं, इसलिए मैंने 3 eggs लिए हैं। आप लोग अपने आइडिया से ले सकते हैं। पैन को काफी हॉट किया, उसमें ऑयल डाला और फिर उसमें मैंने ये एग्स डाल दिए। जैसे ही हल्की सी लेयर आना शुरू हो, अंडे को मैंने मिक्स कर दिया लाइक स्क्रैम्बल्ड एग की तरह। आप चाहे तो ऑमलेट बनाकर भी फिर उसके पीसेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस फॉर्म में बने तो ज्यादा अच्छे फ्राइड राइस लगते हैं। उसी पैन के अंदर मैंने चॉप गार्लिक डाला अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर, उसको हल्का सा सौते किया और फौरन ही मैंने फ्राइड राइस वाली वेजिटेबल्स डाल दी हैं। मैंने कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम ली है। आप लोग चाहें तो और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मुझे लगता है फ्राइड राइस में बस यही 3 अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। ब्लैक पेपर तो उसी हिसाब से ऐड करें कि आपने इसमें 3 cup राइस ऐड करने हैं अभी, लेकिन नमक डालते हुए ध्यान रखिएगा, बिकॉज चाइनीज में ना नमक और भी बहुत सारी चीजों में ऐड हुआ होता है। मैंने भी अंडे में भी ऐड किया है। अगेन मैं इसमें जो सॉसेज ऐड करूंगी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सॉल्ट होगा, इसलिए नमक पे जरा हल्का हाथ रखा करें। बहुत थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सोया सॉस और विनेगर डाला है जस्ट टू टेस्ट। ज्यादा नहीं डालना फ्राइड राइस में, एक तो वो सॉगी सॉगी ना हो, सेकेंडली आप जो इसके साथ ग्रेवी सर्व करते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा सोया सॉस और सिरका वगैरह होता है, तो वो फिर बैलेंस आउट हो जाता है। राइस मैंने प्रॉपरली बॉईल करके दम लगाए थे अलग से और उसके बाद मैंने इस मिक्सचर में ऐड किए हैं। अक्सर लोग एक कनी छोड़ के सब्जियों के साथ उनको दम पे देते हैं, बट मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे फिर वो सब्जियों में क्रिस्प नहीं रहता है, बहुत ज्यादा सौगी सौगी सी हो जाती हैं। एंड रेस्टोरेंट्स में भी प्रॉपर राइस पहले बॉयल करके दम देते हैं फिर उसके बाद ऐसे मिक्स करते हैं। बहुत हल्के हाथ से मिक्स करना है, राइस आपका जरा सा भी ना टूटे, बहुत पेशेंटली आराम से, और देखें कितने मजेदार खिले खिले फ्राइड राइस रेडी हैं विथ क्रिस्पी वेजिटेबल्स। एक मेन डिश मेरी रेडी हो गई, तो अब दूसरी की बारी आ गई। मैंने पानी बॉईल किया था, उसमें हल्का सा ऑयल और सॉल्ट डाल के फिर उसके बाद मैंने इसमें 1.5 packet स्पेगेटी के डाले हैं। स्पेगेटी मैंने थिन वाले लिए हैं, जो नॉर्मल स्पेगेटी होते हैं वो, और ये सिर्फ 8 to 9 minutes ही मैं बॉईल करूंगी, ओवर कुक नहीं करूंगी। साथ साथ मैंने दूसरी तरफ पैन के अंदर अच्छी क्वांटिटी में गार्लिक डाला, उसको हल्के से सौते किया। अगेन उसमें मैंने चौमिन वाली वेजिटेबल्स डाली जिसमें ग्रीन कैप्सिकम है, रेड बेल पेपर है, कैबेज है, कैरेट है, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे ये सारी कुकिंग होती है और मैं सिर्फ वेजिटेबल्स को सौते करती हूँ, कुक नहीं करती हूँ। मैंने जैसे ही उसको 2 minutes सौते किया बाहर निकाल लिया, ताकि ना वो हीट के ऊपर रहें और ना जरा सी ओवर कुक हो। मीनवाइल मैं यहाँ पे सॉस प्रिपेयर कर रही थी। एक चिकन क्यूब मैंने डाला है, आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सोया सॉस डाला है और देखें अच्छी क्वांटिटी में डाला है। थोड़ा सा बिल्कुल सिरका ऐड होगा, ज्यादा नहीं। वर्सेस्टर सॉस ऐड होगा, ये भी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में, लाइक एज इन मैंने 1 tablespoon ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड किया है, मुझे रेडीमेड मिल गया था तो मैंने वो लिया है। आपके पास नहीं हो तो आप इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं या फिर घर में प्यूरी बना के टोमेटोस की वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो चौमिन बनाती हूँ उसमें अवॉइड करती हूँ केचप ऐड करना, मुझे ऐसा लगता है केचप से स्पेगेटीज थोड़े आपस में चिपकते हैं, बट इट्स माई प्रेफरेंस, आप लोग केचप ऐड कर सकते हैं। एंड में बिल्कुल मैंने सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए इसमें सराचा सॉस ऐड किया है, 1 teaspoon होगा। एक वॉक को मैंने बहुत अच्छे से गरम किया, उसके बाद उसमें मैंने ऑयल और गार्लिक डाला। अगेन अच्छे से बिल्कुल सौते करेंगे, गार्लिक की क्वांटिटी हर चीज में ही ज्यादा है। उसके बाद जो मैंने वेजिटेबल्स अलग से सौते की थी वो अब इसमें ऐड कर दी हैं, बस सिर्फ ऐड करी हैं और फौरन ही सॉस डाल दिया है, ताकि सॉस डलते ही जो वेजिटेबल्स का कुकिंग टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए और सॉस भी अच्छे से कुक हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करूंगी एज पर टेस्ट। अगेन सॉल्ट डालते हुए ख्याल रखिएगा, आपने इसमें चिकन स्टॉक क्यूब भी ऐड किया है और सॉसेज
भी ऐड करें उन सब में सॉल्ट होता है, सो बी वेरी केयरफुल. जो हमने चिकन अपनी फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे. एंड जस्ट लुक हाउ अमेजिंग दिस टर्न. ये कितने मजे का एक सॉस रेडी हो गया है. मेरा वॉक छोटा पड़ गया था तो मैंने एक बड़ी पतीली के अंदर इसको शिफ्ट किया, उसी के अंदर स्पेगेटीज डाले ताकि मुझे मिक्स करते हुए प्रॉब्लम ना हो और ना ही मेरे स्पेगेटीज टूटे. बर्तन हमेशा बड़ा लें ताकि आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम ना हो और जो भी चीज आप मिक्स कर रहे हैं वो एकदम मैशी मैशी सी ना हो जाए. आप चाहें तो वेजिटेबल्स के साथ सारी चीजें ऐड कर सकते हैं एक एक वॉक के अंदर, बट उससे कुकिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है और ना चाहते हुए भी आपकी वेजिटेबल्स ओवर कुक होती हैं. मेरे हाथ दुख चुके थे इसलिए हस्बैंड को बुलाया था ये मिक्स करने के लिए. वो चिकन सारी नीचे सेटल हो रही है. चिकन ना जब भी चाहिए होगी तो नीचे से निकलेगी. नीचे सेटल हो गई है. एंड मेरी सेकेंड मेन डिश भी कंप्लीट हो गई थी, मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमिन. और उसकी जो वेजिटेबल्स थी वो सारी नीचे जली गई थी इसलिए मैं अब सर्व करते हुए उन्हें सही से प्रॉपरली निकालूंगी. मीनवाइल मेरे किचन का ये हाल हो चुका था. और यहाँ पे कोई आपके पास हाउस हेल्प नहीं होती है, सारे काम आपने खुद करने होते हैं चाहे दावत हो या नॉर्मल डे की कुकिंग हो. इसलिए लग गई थी मैं भी बर्तन धोने और उसके फौरन बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई थी क्योंकि बस अब टाइम आने ही वाला था. सो गेस्ट आए उससे पहले खुद का प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है. और क्योंकि फॉल सीजन है इसलिए मैंने रेड कलर का अपना ड्रेस निकाला था विद हैंड एम्ब्रॉयडरी. खुद को प्रेजेंटेबल करने के बाद बारी थी टेबल सेटअप करने के लिए. वैसे अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी दावत व्लॉग्स देखी तो आप लोगों को आइडिया होगा मैं टेबल पे खास टाइम लगाती हूँ, बट आज क्योंकि बच्चों ने भी आना था तो मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज्यादा कंजस्टेड या बहुत ज्यादा बच्चों के लिए फॉर्मल हो जाए. वो जरा खुल्ला डुल्ला होके खाने को एंजॉय कर लें इसलिए मैंने जरा टेबल ऐसे ही सेट करी थी कि वो थोड़ी प्रेजेंटेबल भी लगे लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मल वाइब्स भी ना आए कि बच्चे बेचारे कॉन्शियस होके खाना खाएं. थैंक गॉड मेरी टेबल टाइमली सेट हुई. बस यहाँ मैं फ्री हुई और यहाँ गेस्ट आए, मैंने उनको वेलकम वगैरह किया, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड किया. वेलकम ड्रिंक में मैंने उन्हें रूबिकॉन जूस सर्व किया था और उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई. अब मैंने बनानी थी अपनी ग्रेवी विच इज सेसमी चिकन. उसके लिए मैं बना रही थी सॉस. मैंने थोड़े से पानी के अंदर चिकन स्टॉक क्यूब डाला, उसके बाद सोया सॉस डाला, केचप डाला, चिली गार्लिक सॉस डाला और जितने भी टेबल स्पून डाले हैं वो सब आप लोगों ने देख लिए होंगे वीडियो के अंदर क्लियरली. उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर. ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाला है बट मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही थी ताकि आसपास मेस ना हो. क्वांटिटी इसकी 2 टेबल स्पून ही है. सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी. इस सॉस के अंदर मैंने केचप ऐड किया है, चिली गार्लिक ऐड किया है, टोमेटो पेस्ट ऐड नहीं किया है, याद रखिएगा. आंटी मुझे कंपनी देने किचन में आ गई थी, बस जल्दी जल्दी से मैं सॉस प्रिपेयर करूंगी. मैंने ऑयल के अंदर गार्लिक डाला, उसको अच्छे से जब मैंने ब्राउन कर लिया उसके बाद ये जो सॉस बनाया था वो ऐड कर दिया. थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी डाला और खूब चमचा चला के इसको सॉर्ट ऑफ भूना. मेरे कैमरे की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी इसलिए मैं वो सारे स्टेप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आप लोगों ने सॉस को अच्छे तरीके से बनाना है, पानी डालना है, थिक ग्रेवी बनानी है इस तरीके से. थैंकफुली इंग्रेडिएंट्स सारे रिकॉर्ड हो गए थे. जब मेरा सॉस थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर हो गया जैसे सूप रेडी होता है, उसके ऊपर पे मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करी एज पर टेस्ट. जो चिकन हम लोगों ने फ्राई करी थी वो और उसके साथ कैप्सिकम और जो अनियन स्क्वायर शेप में काटी थी वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया. कैप्सिकम और अनियन को मैंने अलग से कोई फ्राई नहीं किया था, ऐसी रॉ ही इसके अंदर डाला ताकि वो ओवर कुक ना हो. लेकिन जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में अच्छा चाइनीज खाने जाते हैं तो सारी सब्जियां हमें क्रिस्पी और उनके सबके टेस्ट अलग अलग फील होते हैं और कोई भी चीज ब्लैंड फील नहीं होती. वो इसीलिए कि हर चीज को अलग से सीजन किया जाता है और ओवर कुक नहीं किया जाता. एनीवेज मैंने गार्निशिंग के लिए हरी प्याज काट ली थी और अब बस अब मैं सर्व करूंगी. ये मैंने एंड पे इसीलिए रखा था बनाने के लिए क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड होता है तो वो फ्रेश फ्रेश ही खा लिया जाए तो अच्छा लगता है. काफी सारे से मैंने सेसमी सीड्स ऊपर से डाले और हमारी सेसमी चिकन रेडी हो गई है. वहां से एप्लीकेशन हो रही है वेरीफाई.
अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना था, सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और हंसी मजाक करते करते हमने खाना खा लिया। ये कुछ गुडीज अंकल आंटी हमारे लिए लेकर आए थे, बहुत यमी यमी से। आंटी को भी बताया मुझे ये चिप्स और निमकोस वगैरह कितनी अच्छी लगती हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैंने सोचा थोड़ा सा इसका भी क्लिप बना के आप लोगों को दिखा दूँ। एनीवेज काफ़ी देर बातें करने के बाद फिर मीठे का सेशन चला था, साथ में चाय जिसने पीनी थी उन्हें चाय दी गई थी। शाही टुकड़े भी अच्छे थे बट नॉट वन ऑफ माई बेस्ट, मैं इससे अच्छे बना सकती थी, वो इतने अच्छे नहीं बने बट कोई बात नहीं। और जी बहुत सारा टाइम साथ गुजार के हंसी मजाक करके गेम्स वगैरह करके अब जाने का टाइम आ चुका था। क्लिप हो जाता है वो भी बड़ा, लेकिन वो भी क्लिप चाहिए, वो हर चीज चाहिए उसके साथ, तो वरना चल मेरा बेटा सर्च करिएगा मॉस्टिक फिर मैं करता हूं ये इसको मिल जाएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया, लेकिन उसके बाद किचन की हालत कुछ ऐसी है। बीच बीच में मैं थोड़े से आके बर्तन धोती जा रही थी बट अभी ये मीठे मीठे के बर्तन है थोड़े से और समेटना वगैरह करना है। दावत वॉज रियली गुड, दावत क्या थी बस एक डिनर था, सो सबको चाइनीज बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे का सब कुछ बना था, स्पेशली द सेसमे चिकन जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, सो आई एम हैप्पी। सब खुश होके अच्छे से खा कर गए, बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया है, सो आई एम सुपर हैप्पी, सारे दिन की मेहनत वसूल हुई। और अब बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करूंगी, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।